आज की वैकेंसी रिलीज करी गई है इसरो से, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेगी। सबसे अच्छे बेनिफिट्स मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट परमानेंट पोस्ट है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे चार्ज नहीं करी जा रही है। इफ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी, एंड जिन कैटेगरी से आपकी एप्लीकेशन फीस चार्ज करी जा रही है उसका भी अमाउंट काफ़ी लो है, काफ़ी लो। एंड यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे लाइक DA, HRA, ट्रैवल अलाउंसेस एंड मैनी मोर। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा पैकेज रहेगा, काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेगी। मैंने आपके लिए सारी डिटेल वीडियो में कवर कर दिया, तो बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल रहेगा एंड मैनी मोस्ट ऑफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट रहेगी ये, आपकी रिलीज़ करी गई है इसरो से, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से, कि उसकी ऑफिशियल साइट है। आपको फर्स्ट में ही रिक्रूटमेंट नोटिस मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके रख रखी है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपनी एडवर्टीजमेंट पर। तो यहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगी, तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट रहेगी, ठीक है। बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसरो प्रोवाइड कर रहा है। आपकी पोस्ट भी रिलीज़ हुई है, पोस्टिंग आपकी दो जगह हो सकती है, एंड कर्नाटका के अंदर एंड न्यू दिल्ली के अंदर। पे लेवल आपका 4 का रहेगा, ठीक है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, ग्रेजुएशन। यहाँ पे किसी भी क्वालिफिकेशन में, मतलब किसी भी टाइप के आपके सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये पोस्ट काफ़ी फैसिनेटिंग लगी। मुझे लगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसरो से रिलीज़ कर गई है, सच्चा बिग इंस्टीट्यूशन। तो मुझे लगा अगर आपको किसी भी टाइप की पोस्ट मिल रही है, इवन सैलरी स्केल अच्छा है, आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हो। या तो मुझे अच्छी लगी पोस्ट, आज पर मैंने आपको बता दी। अगर आपको लगता है तो आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। नहीं भी लगता तो मैं आपको बताऊंगी, कम से कम सुन लेना वीडियो में, तो आपको पता चले कैसी कैसी डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज रिलीज होती है इन पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर रखी है 28 ईयर मैक्सिमम रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी एप्लीकेशन फ़ीस भी 100 रुपीज़ रहेगी फॉर ईच एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, एंड कुछ और बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे लाइक वुमेन वालों को, नहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा। उसके अलावा देखते हैं और डिटेल आपको कैसे फिल करना है, वो यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी आपको। एंड यहाँ पे मेंशन कर रखा है लाइक वुमेन कैंडिडेट एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है। तो सिर्फ जर्नल के एंड ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, दैट्स इट। तो एप्लीकेशन फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन टेस्ट होगा, टेस्ट भी काफ़ी सिंपल होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन कर रखे हैं, 50 मार्क्स चाहिए होंगे फॉर अनरिजर्व के लिए एंड 40% मार्क्स चाहिए होंगे फॉर अदर कैटेगरीज़ के लिए। स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। पहले मैं आपको पोस्ट बता देती हूँ कौन सी है, ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। तो दो वैकेंसी रिलीज करी गई है, पोस्ट नंबर 1 एंड पोस्ट नंबर 2। असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी राजभाषा में, यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। दो पोस्ट है, सेम ही पोस्ट है, लेकिन जो आपके डिपार्टमेंट या जो आपकी, लेकिन जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी ना वो एरिया डिफरेंट है, दैट्स वाई इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखा है आपको। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन कर रखा है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इतनी नंबर ऑफ पोस्ट होगी। ये आपको एडवर्टीजमेंट दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश। इसी आपको पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन में दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको टाइपिंग की स्पीड चाहिए होगी, स्पेशली हिंदी टाइपिंग की मेंशन कर रखा है 25 वर्ड्स पर मिनट। एंड अगर आपके पास नॉलेज है इंग्लिश टाइपराइटर की तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हिंदी मैंडेटरी है। इंग्लिश की है तो भी कर सकते हो, नहीं है तो भी कर सकते हो। इवन आप अप्लाई करने के बाद भी ये स्किल सीख सकते हो, तो वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो स्किल सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हिंदी की टाइपिंग हो, इंग्लिश की टाइपिंग हो, इट्स नॉट टेक सो मच टाइम। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। दो आपके वेन्यूज रहेंगे, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली, वहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा। वो आप देख सकते हो कि आपने कहाँ पे आपको चीज़ें पास पड़ती है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका आ जाएगा। और मैक्सिमम मिस्टेक्स मेंशन कर रखी है, अनरिजर्व वालों को मौका मिलेंगे 5 मिस्टेक्स के लिए, एंड फॉर कैटेगरीज अदर कैटेगरीज उनको 8% मिस्टेक्स के चांसेस मिलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। यहाँ पे अलाउंसेस भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे लाइक DA, HRA, ट्रैवल अलाउंस। उसके अलावा भी आपको चीज़ें मेंशन कर रखी है लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। एंड यहाँ पे आपका जो पे लेवल रहेगा 4 का रहेगा, तो मिनिमम बेसिक पे 25,000 होगी, मिनिमम है, इसके ज़्यादा भी हो सकती है आपकी बेसिक पे। इनका प्रोसेस आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप अप्लाई करने का लिंक मिल रखा है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अप्लाई करने में। आती है तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड किसी और टाइप की पोस्ट सर्च कर रहे हो वो डिटेल भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलो टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।